जय हिंद। कैसे दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप सभी के काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं कि आप इसी प्रकार से हमें नए नए अपडेट देते रहिए। तो फाइनली दोस्तों, इस वक्त मैं सूरत में हूँ। सूरत में यानी मैं सचिन के पास हूँ और यहाँ पर भाटिया टोल टैक्स से टोल प्लाजा है और नेशनल 53 को क्रॉसिंग करता हूँ। ब्लैक ट्रेन का अपडेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्टील ब्रिज बनाया जा रहा है जो NH-53 को क्रॉसिंग कर रहा है और वो स्टील ब्रिज बनाया जा रहा है। फर्स्ट टाइम मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ कि बड़े हाईवे के ऊपर से होकर बुलेट ट्रेन का ब्रिज बनाया जा रहा है और किस टाइप से इसका काम चल रहा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सीधा इस तरफ से आ रहा है, ये सूरत की तरफ से आ रहा है, यानी कि जाता सीधा अहमदाबाद की तरफ। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ ये पैकेज नंबर 254 से हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं और इधर वापस जाने वाले हैं मुंबई की तरफ। और यहाँ पर है सामने आप देख सकते हैं NH-53 जो कि हजीरा से लेकर और उड़ीसा के लिए कनेक्ट करता है ये, और पश्चिम बंगाल को भी कनेक्ट करता है। और इसका मैं अपडेट आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो अपडेट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला। तो दोस्तों, आज फर्स्ट टाइम मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि NH-53 हाईवे को क्रॉसिंग कर रहा है, जो स्टील ब्रिज बनाया जा रहा है। वैसे तो मैंने आपको नेशनल 48 को भी क्रॉसिंग करते हुए कई सारे अपडेट इसके दिखाए हैं, लेकिन सब जगह पर खाली पिलर का ही काम था, पेयर वर्क का ही काम था, लेकिन वहाँ पर ब्रिज का काम कहीं पर भी स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर अभी जो है स्टील ब्रिज का काम चालू हो चुका है, लेकिन उसी का अपडेट मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट होने वाला है। तो दोस्तों, बिना वक्त के भाई आपका दिखाते हैं यहाँ का लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये है सामने नेशनल 53 और ये सामने आपको दिखा दूँ मैं यहाँ से थोड़ा जूम करके, ये है सामने, ये है भाटिया टोल प्लाजा और ये सचिन एरिया में आता है। और मैं आपको बता दूँ ये सूरत शहर से लगभग है, सूरत स्टेशन से बात करूँ तो लगभग पड़ेगा 15 किलोमीटर की दूरी पे। और हम लोग डंडोली की तरफ से आए तो यहाँ से डंडोली एक की दूरी लगभग 8 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ पानी भरा हुआ, बारिश बहुत ज़्यादा है। और अभी हम घर से आए थे ना तो पूरा बारिश में हम लोग भीगते हुए आए हैं और अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए बारिश बंद हो गई है। मैं आपको बता दूं तो मैं वीडियो आपको अच्छे से कवर करके दिखा पाऊंगा दोस्तों। मैं आपको यहाँ का अपडेट और यहाँ का पेयर वर्क की बात करूँ तो पेयर वर्क आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट है, ऊपर का वर्क का पूरा वाइडेक्ट भी पूरा का यहाँ का कंप्लीट है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कास्टिंग यार्ड है सामने जो है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर, यानी NH-53 के जस्ट बाजू में जो यहाँ का कास्टिंग यार्ड है। तो दोस्तों, बिल्कुल जो ये ब्रिज बना जा रहा है NH-53 पे कास्टिंग यार्ड के जस्ट बाजू में है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ अब रास्ते आप देख सकते हैं जो कि बारिश में किस प्रकार से पानी चल रहा है यहाँ पर, और निकलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ गाड़ी तो फिलहाल खड़ी करके आ गया हूँ मैं पीछे की तरफ। बारिश में वीडियो बनाने का मज़ा ही अलग है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ थोड़ी सी समस्या होती है लेकिन अच्छा लगता है बारिश में। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से हम लोग निकल पाएंगे, यहाँ से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों। और इस जगह पर फिलहाल लॉन्चिंग का भी काम शुरू है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, और ब्रिज का भी काम चालू है। तो यहाँ आप देखेंगे ना इसके ऊपर लॉन्चिंग का काम चालू है, यहाँ तक सेगमेंट रखे जा चुके हैं, इसके आगे वाले पिलर पर पूरा का पूरा लॉन्चिंग का काम चालू है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं स्टील ब्रिज की शुरुआत होती है और यहीं से स्टील ब्रिज रखा जा रहा है, यहाँ पर गार्डन नहीं रखे जाएंगे। और मैं फाइनली आगे की तरफ चलता हूँ, मेन रोड से आपको अच्छे से दिखा पाऊँगा। तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों कितना मस्त नज़ारा यहाँ पे लग रहा है, और यहाँ से स्टील ब्रिज के निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत जल्दी, मतलब थोड़ा समय तो लगेगा इसमें क्योंकि काफ़ी बड़ा काम है और काफ़ी मेहनत भरा काम है दोस्तों ये। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जो है जोरों शोरों में इसका काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाइट भी काफ़ी ज़्यादा ली जाएगी क्योंकि NH-53 हाईवे को क्रॉसिंग करता है। तो इस जगह पर यहाँ पर स्टील ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं पीछे लॉन्चर का काम, लॉन्चिंग मशीन काम कर रही है और इसके आगे ये स्टील ब्रिज का साजा रहा है दोस्तों। भाई फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं नेशनल हाईवे 53 के पास, और इधर जा रहा है सीधा ये उड़ीसा के लिए और बारडोली के लिए जा रहा है, और इधर जा रहा है सीधा हजीरा के लिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इधर। और सामने है भाटिया टोल प्लाजा और इसी जगह पर ये आप देख सकते हैं जो कि बुलेट ट्रेन का स्टील ब्रिज का काम काफ़ी जोरों शोरों में चालू है। दोस्तों इस ब्रिज की लंबाई की बात करूँ तो मैं 300 मीटर लंबा ब्रिज बनने वाला है और ये बहुत ही बड़ी चुनौतियाँ होती हैं। जहाँ पर नदियाँ होती हैं और या फिर एक्सप्रेस हाईवे वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी बड़ी चुनौतियाँ होती हैं। और जैसे कि आपने देखा था पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया जो कि बड़ोदरा में जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वीडियो मैंने बनाई थी, वहाँ पर 200 मीटर लंबा बिना सपोर्ट के यही स्टील ब्रिज बनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को डिस्टर्ब नहीं करना है। और इसी जगह पर ये ब्रिज का काम जोरों शोरों में चालू है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों। उस तरफ की बात करूँ मशीन से पीछे जो आप देखेंगे लॉन्चर मशीन है, इसके पीछे तो उधर का पूरा वायरडक्ट कंप्लीट है, इसके आगे का वायरडक्ट का काम चालू है। और यहाँ पर अभी रेलिंग लगाई जा रही है, रेलिंग का भी काम चालू है। रेलिंग लगने के बाद में इस पर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पोल का काम रहेगा, फिर पटरियाँ बिछाई जाएंगी जो गार्डर होते हैं। और दोस्तों मैं गार्डर की बात करूँ दोस्तों, इसका जो खास मटेरियल गार्डर का वो जापान से ही आने वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं भी चलता हूँ उस तरफ से भी मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ उस तरफ कैसा काम चल रहा है दोस्तों अभी। तो मैं दूसरी तरफ जाके इसको उधर से अपडेट आपको दिखाता हूँ, उधर से किस प्रकार से ये दिखाई देता है और कितना काम कंप्लीट उधर से हमें दिखाई देने वाला है, ये तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर अभी बारिश थोड़ी स्टार्ट हो गई फिर से, तो फिर से दिक्कत होने वाली है वीडियो शूट करने में दोस्तों। और इस तरफ देखेंगे, इस तरफ भी पूरा ये मशीन का सामान पूरा सेट किया जा रहा है दोस्तों। इसके ऊपर से ये लॉन्चिंग का काम बहुत जल्दी स्टार्ट होगा स्टील ब्रिज का। और ये है हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का काम, आप दोस्तों देख सकते हैं, नेशनल हाई स्पीड रेल। और ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे भारत का और हमें काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है दोस्तों, जो कि ये ब्रिज और ये बुलेट ट्रेन के काम जो जब कंप्लीट हो जाएंगे, बुलेट ट्रेन हो गया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो गया, तो इससे समय की काफ़ी ज़्यादा बचत होगी हम सभी को। देखिए दोस्तों इस जगह से क्रॉसिंग कर रहा है ये और यहाँ पर बन के कंप्लीट होने वाला जल्दी से जल्दी दोस्तों ये ब्रिज। तो इधर से देखेंगे ना, तो इधर से मतलब हमें आधा ब्रिज लगभग कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। मैं आपको बताऊँ लगभग 150 मीटर से भी लगभग जितना ब्रिज कंप्लीट हो चुका है और 150 मीटर इधर बनाना बाकी है अभी दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। इस तरफ से तो मैं अभी इस तरफ जाने वाला हूँ, इस तरफ से आपको अपडेट दिखाता हूँ उधर से कितना काम चलता हुआ स्टार्ट होता हुआ आ रहा है। तो इधर आप देखेंगे ना, यहाँ पर भी इसका सामान जो सेट किया जा रहा है, यहाँ पर 4 पिलर रखा चुके हैं, स्टील पिलर बोलते हैं इनको। और जल्दी यहाँ पर स्टील ब्रिज भी बन के कम्प्लीट होने जाना है, ये लोहे के ब्रिज हैं सॉरी। और यहाँ पर जल्दी यहाँ पर स्टील ब्रिज कसा जाने वाला है दोस्तों। इधर से सारे पेयर वर्क कम्प्लीट है और पैकेज नंबर 254 का ये अपडेट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों सामने जो दिखाई दे रहा है हमें ब्रिज का अपडेट जो कि स्टील ब्रिज। और इधर जा रहा है सीधा ये बारडोली, और बारडोली के लिए जा रहा है। और यहाँ से आप सीधा जा सकते हैं सोनगढ़, जा सकते हैं व्यारा, जा सकते हैं इस तरफ से। और फाइनली ये उड़ीसा के लिए जा रहा है ब्रिज ये दोस्तों, ये सीधा रोड जो जा रहा है। थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप थोड़ा मैनेज कर लेना दोस्तों, क्योंकि आप सभी के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ और वीडियो बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सामने आपको पूरा एक कास्टिंग यार्ड है इसी का, यहाँ पर पूरा का पूरा पेयर वर्क कम्प्लीट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिज़ाइन जो बनाए हुए हैं, यहाँ पर सब कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि ये जापान से आया हुआ है। और यहाँ से वापी की दूरी 156 किलोमीटर, बड़ोदरा है 393 किलोमीटर, यानी बड़ोदरा टू और वापी से और बड़ोदरा की दूरी 393 किलोमीटर है। यहाँ पर सब लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वायडक्ट स्टेशन डिपो टनल बिटवीन वापी 156 और वापी से बड़ोदरा है 393। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का ये काम है। और किस प्रकार से यहाँ पर जो बुलेट ट्रेन आने वाली है, ये इस प्रकार हमारे भारत में बुलेट ट्रेन आने वाली है दोस्तों, देख सकते हैं। वापी के बाद में बिल्ली मोरा है, फिर सूरत और फिर भरूच है, ये सब स्टेशनों के नाम दिए हुए हैं दोस्तों। ये स्टेशन की मैं बात करूँ ना, तो टोटल इसमें 12 बुलेट ट्रेन के स्टेशन होने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सीधा BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होता है और उसके बाद में थाना आने वाला है, फिर विरार, उसके बाद में बोईसर और फिर वापी बिली मोरा, और उसके बाद में सूरत भरूच बड़ोदरा आनंद और फिर अहमदाबाद, उसके बाद में साबरमती इसका लास्ट स्टॉप है। और ये पूरा 508 किलोमीटर लंबा कंस्ट्रक्शन का काम है, 508 किलोमीटर लंबा रूट होने वाला दोस्तों ये। तो खास करके मैं आपको इसी का अपडेट दिखाने के लिए आया था, क्योंकि मेरे पास कमेंट आए थे काफ़ी सारे कि यहाँ पर स्टील ब्रिज का कार्य निर्माण शुरू हो चुका है, तो यहाँ का अपडेट दीजिए। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था और मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि जो बड़े बड़े हाईवे वगैरह हो गए उसको किस प्रकार के उस पर ब्रिज बनाए जाएंगे, इसका आइडिया हमें भी लग गया। हमें भी नहीं पता था यहाँ पर इस प्रकार के ब्रिज बनाए जाएंगे, हमें लगा था सीधा यहाँ पर सिगमेंट और गार्डर द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसको यहाँ पर इस स्टील ब्रिज द्वारा लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये जो नज़ारा है स्टील ब्रिज का ही है। और ये मैंने आपको बताया 300 मीटर लंबा ब्रिज है और यहाँ पर सीधा जा रहा है इस तरह मुंबई के लिए दोस्तों ये। तो गाइज मैंने आपको दिखाया लेटेस्ट अपडेट्स, और आपको वीडियो कैसी लगी हमारी कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते जल्दी एक नए ब्लॉग में, आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।